सागर सिपाही है एक तरीके से बहुत बहुत युवा सिपाही नहीं इस समय जो है आज की तरह मैं विष्णु शर्मा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी वाराणसी जिसको गर्व के साथ लोग कहते हैं बना रहे रस जिसका नाम है बनारस बनारस की सरजमी पर आज मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो है जो प्यार दिया जो स्नेह दिया जो मेरे जन्मदिन पर इतनी नौजवानों की भीड़ देखने को मिली ये प्रदर्शित करता है कि आने वाला कल नौजवानों के बल पे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये नौजवान अखिलेश यादव जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद का नारे लगाते हुए चल रहे थे सड़क पर इनके नारे से हम जो है बहुत खुश है। इनके अंदर जो जज्बा है इनके अंदर जो देखने को मिल रहा है स्फूर्ति वो प्रदर्शित करता है कि आने वाला 2022 हम लोग विधान बनारस में 8वीं विधानसभा में लाल और हरा झंडा का परचम लहराने जा रहा है। इन नौजवानों को बधाई देते हैं कि आप घर में अब बैठिए नहीं अपने क्षेत्र में जाइए वोटरों से संपर्क करिए जिसका नाम मतदाता सूची में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुड़वाया है गलत नाम जुड़वाया है उसको कटवाइए। नौजवानों जो नौजवान हैं उनको जो है समाजवादी पार्टी में जोड़िए मतदाता सूची में जोड़िए और 2022 बहुत करीब है और निश्चित रूप से आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम भी संकल्प लेते हैं मेरे साथ सभी नौजवान संकल्प लेते हैं कि 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बागडोर संभालने जा रहे हैं। आज के जन्मदिन के अवसर पर महानगर कमेटी के हमारे महानगर सचिव हैं दुर्गा यादव जी तमाम नौजवान साथी हैं हमारे संदीप शर्मा जी ये तमाम नौजवान साथियों को हम आभार प्रकट करते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने जो स्थान और सम्मान दिया मेरे पास शुक्रिया अदा करने के अलावा और कोई शब्द नहीं है। आज इसी संकल्प के साथ हम लोग 2022 की रणभूमि में हम लोग कूदने के लिए तैयार हैं। मैं आयुष यादव छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी आज हमारे शानदार महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी का जन्मदिन था जिस अवसर पे हम सभी युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जिस छोटे कार्यक्रम में युवाओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि वो देखने लायक था। उस कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव माननीय दुर्गा यादव जी भी हम लोग के साथ शामिल थे। आज माननीय हम लोग के महानगर अध्यक्ष जी 47 साल के वर्ष पूरा किए हैं और इस अवसर पे हमने अपने निवास पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जिसमें सब युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। 2022 में मैं यही बताना चाहूँगा कि युवाओं का इतना जोश और इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि हम ये निश्चित तौर से बता सकते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है।